हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास गाइस कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो आज आप सभी के लिए हम एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है बैक बेंचर सीरीज और उस सीरीज़ को जो शुरुआत करी है तो बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा बिल्कुल आपके फोर्टीन चैप्टर तक ये सीरीज कंप्लीट की जाएगी और बहुत ही जल्दी जल्दी इसके लेक्चर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे अच्छा मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं यह सीरीज के अंदर क्या खास है इस सीरीज की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको ब्रीफ में विद न्यूमेरिकल एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और डेरिवेशन थ्योरी के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश कराऊंगा जिन बच्चों का बैकलॉग इकट्ठा हो गया है वो इस बैक बेंचर सीरीज को पूरा देखें और आप ये पाएंगे कि आपको बहुत थोड़े से टाइम में एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने क्लियर कर लिया है क्लियर है तो ये सीरीज आप इतना कर लोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया होगा अच्छा देखो मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा इस पूरे साल भर और पूरे साल भर आपकी सेवा में लगा रहूंगा जो भी चीजें आपको जरूरत होंगी अपनी क्लास ट्वेल्थ के लिए वो सब आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छे 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 जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे तो आप हमारी जो बुक है ये जो बुक है इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं यह है हमारी फिजिक्स वन शॉट क्वेश्चन बैंक और ये हमारी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है ना देखो मैं आपको इन दोनों बुक के बारे में बता देता हूं ये दोनों ही बुक हमारे क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मास्टर पीस है जिसको आप प्रैक्टिस करके पाएंगे कि आपके क्लास ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्जाम है वो एकदम शानदार तरीके से जाने वाले हैं चाहे आपके हाफ ईयरली हो मिड टर्म हो कुछ भी हो आप अगर इस बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप ये पाओगे कि आपके एग्जाम्स बहुत बढ़िया जा रहे हैं और एक चैप्टर आपका बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूंगा इन बुक्स के बारे में यह हमारी जो वन शॉट बुक है ये इसके अंदर हमने हर एक चैप्टर को दो पेज में फिनिश किया है माइंड मैप के फॉर्म में और उसके बाद बढ़िया से प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिले हैं इसके अंदर आपको पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे थ्योरी भी चाहिए तो हमने अपनी जो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर हमने थ्योरी भी इंक्लूड की है तो जो बुक आपकी मर्जी हो है ना आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ये एकदम कॉम्पैक्ट बुक है प्रैक्टिस करने में आसान होगी थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इसके बाद आप ये देखोगे कि ट्वेल्थ बोर्ड में आपको मजा ही मजा आने वाला है ऑर्डर करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी जा रही है तो आप इस बुक को अभी ऑर्डर भी कर सकते हो और बाकी आप चाह रहे हो कि सर मुझे आपके साथ डेली फिजिक्स पढ़ना है तो आप हमारा जो विनर्स बैच है उसके अंदर भी आ सकते हो अभी हम जस्ट चैप्टर को रिवीजन मोड में जो है चैप्टर थर्ड को पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से और दोनों बैच आपको फ्री मिलेंगे है ना एक आपका विनर्स 1.0 जिसमें

बढ़िया हो आई लव यू सर ठीक है चलो तो आगे बढ़ेंगे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा और आपको बताता हूं कि भाई आखिरकार चार्ज क्या है बिल्कुल माइंड मैप के फॉर्म में मैंने सब तैयार किया है बहुत मेहनत लगी है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे देखो मैं आपसे कहता हूं चार्ज क्या है तो भाई याद रखना चार्ज किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज क्या लग, जिसके कारण वो सब्सटेंस क्या लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप का होता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्जन फोर्स ठीक है

जो इंबैलेंस हो जाते हैं अनइक्वल हो जाते हैं तो वहां पे चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन है? के ट्रांसफर से ज्यादा नेगेटिव, तो तो नेगेटिव चार्ज उस बॉडी पे है ना जैसे मान के चलो किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसके पास क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तो अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन की कंपैरिजन में है ना इलेक्ट्रॉन्स कम है डेफिसियट या डेफिशिएंसी ऑफ है तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा है ना और ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस बॉडी का जो मास है वो घट जाता है मास डिक्रीज हो जाता है ठीक है इसके बाद आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इन मतलब चार्ज आप स्पीड बढ़ाओगे स्पीड घटाओगे उससे चार्ज को कोई मतलब नहीं एक बॉडी पे पांच कूलाम चार्ज है तो पांच कूलाम ही रहेगा चार्ज जो है एलिजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज को डायरेक्शन से मतलब नहीं है चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ऐड होगा नेगेटिव है तो माइनस होगा डायरेक्शन मैटर नहीं करती चार्ज में चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है मतलब ना तो नया चार्ज क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हमेशा चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है ठीक है चार्ज क्वांटाइज्ड है क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या तीन इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है कभी टुकड़ों में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता कि साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो गया पौने पांच इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है ना मतलब एक साजी साजी फुल फुल वैल्यू 5 के बाद छह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन साढ़े पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते ना तो चार्ज भी उतना ट्रांसफर नहीं हो सकता है उसकी सरफेस पे क्योंकि चार्ज जब आप किसी कंडक्टर को दोगे तो भागते हुए आएगा? आएगा अच्छा चार्ज लाइक्स शार्प चार्ज कैसे पॉइंट को, पसंद, पसंद को ठीक है चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर एट शार्प पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास ये इस तरह का जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है तो मैंने इसको यहां पे चार्ज दिया तो आप देख रहे हो जो नुकीले पॉइंट होते हैं है हो है. तो हम कहते हैं है? है. टच करते हैं तो खूब तेज शौक लग जाता है ठीक है चलिए याद रखेंगे तो हमने लिखा चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ जितना छोटा होगा वहां पर चार्ज उतना ही ज्यादा इकट्ठा होगा ठीक है ध्यान रखेंगे

बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है बेस्ट तो 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 पॉसिबिलिटी क्या, क्या है तो बताओ जरा जेड क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ जेड जेड क्या हो सकता है तो हमने कहा सर वाय से अट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्शन के लिए बताओ क्या जरूरी है आंसर है सर अट्रैक्शन के लिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जरूरी है आंसर है नहीं अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है पॉजिटिव के साथ और न्यूट्रल भी हो सकता है ध्यान रखना चलो आगे बढ़ेंगे अब देखिए जरा है ना अब देखो अब मैं आपको बताता हूं जैसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं है ना पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप कहते हो सर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा पॉजिटिव पॉजिटिव है या सिमिलर तो आप कहोगे रिपल्सिव फोर्स लगेगा लेकिन फोर्स कितना लगेगा यह हमें किसने बताया ये हमें बताया गुलाम भाई साहब ने तो गुलाम लॉ में यह बताता है अच्छा सर आप ये कहोगे कि मुझे तो सर प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वो वाले नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे आपको ऐप पे जाना है

हाँ, equal and opposite लगता है हमेशा। ऐसा नहीं कि एक चार्ज बड़ा है तो ज्यादा लगेगा, एक चार्ज छोटा है तो कम नहीं चार्ज चाहे जैसे भी हो दोनों पर कॉमन फोर्स लगेगा ठीक है तो कुलाम ने हमें बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा तो हमने सुना हमने कहा कि भाई कितना लगेगा तो उसने कहा एफ इज इक्वल टू के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि K, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों चार्जेस में हमें क्या लेनी होती है नाइन इंटू टेन टू दाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलामस टू किसकी वैल्यू के वैल्यू है क्लियर या फिर कहूं वन बाय फोर पा एप्स नॉट की हमेशा याद रखो कभी भी आप कूलाम लॉ में न्यूमेरिकल करेंगे तो चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा आपको उसकी बस वैल्यू लेनी है साइन नहीं बिकॉज़ कूलाम लॉ हमेशा फोर्स की वैल्यू बताता है ठीक है अच्छा जैसे मान के चलो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा बढ़िया न्यूमेरिकल कराऊंगा टेंशन मत लेना जैसे आपको न्यूमेरिकल मिला कि एक चार्ज है 2 कूलाम का एक चार्ज है -3 कूलाम का ठीक है इन दोनों के बीच में एक मीटर डिस्टेंस है तो बताओ इन पे कितना फोर्स लगेगा पहली चीज तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा पहला चार्ज दूसरा चार्ज दूसरा दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर तो हमने के की वैल्यू पुट की पहले चार्ज की दूसरे चार्ज की सिर्फ देखो माइनस साइन नहीं लिया अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर तो फोर्स आ गया हमारे पास इतना क्लियर है चलो आगे बढ़ेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा आगे देखो जरा अभी कुलाम लॉक अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे तो देखो मैंने क्या कहा कि भाई ये मेरे पास पहला चार्ज ओरिजिन से वेक्टर फॉर्म बताते हैं डायरेक्शन के साथ फोर्स को ठीक है ओरिजिन से इसकी पोजीशन आर वन वैक्टर इसकी पोजिशन आर टू वेक्टर, अब देखो मैंने कहा कि फोर्स पहले चार्ज पे कितना लग रहा है पहले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है दूसरे के कारण तो हमने कहा ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो देखो फॉर्मूला वही है के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है अब डायरेक्शन और मुझे बतानी है तो यूनिट वेक्टर का इंटू कर देता हूं बस यूनिट वेक्टर जैसे आप ये देखो Q1 पे फोर्स कैसे लग रहा है यहां से देखो R2 से R1 की ओर R2 से R1 R2 से R1 की ओर है ना तो आर टू आर वन के ठीक इसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूंगा एफ वन आर वेक्टर तो एफ टू वन वैक्टर कितना होगा आप यहां पर देखो के क्यू वन क्यू टू अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और अगर टू पे लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा आर वन से आर टू ओर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ध्यान रखोगे चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ध्यान दो अब जैसे मान के चलो गुलाम लॉपर बेस्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो गुलाम लॉपर बेस्ट न्यूमेरिकल हम किस तरीके से करते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं जैसे मान के चलो कि भाई मेरे पास ना ये दिया हुआ है एक स्क्वायर है स्क्वायर के चारों कोने पे चार्ज रखा हुआ है क्लियर यहां पर मेरे पास स्क्वायर की साइड दी हुई है ये मेरे पास इस तरह का भी न्यूमेरिकल आता है कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ठीक इस ट्राइंगल के तीनों कोनों पर यानी वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है क्लियर है तो हम किस प्रकार से जो है किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको समझाता हूं देखो जरा ध्यान से समझना कि जैसे मान के चलो मुझसे कह दिया कि ए पर नेट फोर्स निकालो क्या निकालो ए पर नेट फोर्स कितना होगा है ना जैसे इसको मैं कुछ भी नाम दे दू नहीं जैसे ए ये हो गया या मैं कहूं Q1 ये हो गया मेरे पास Q1 ये हो गया मेरे पास Q2 और ये हो गया मेरे पास Q3 अब मुझसे कहे कि Q3 पे नेट फोर्स कितना लगेगा आप मुझे जल्दी से बताओ जरा Q3 पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये आप मुझे बताएं तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को तो जब मुझसे कहे कि Q3 पे कितना नेट फोर्स लगेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं ये चेक करूंगा कि Q3 पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है तो जरा ध्यान से देखो मैंने कहा ये चार्ज है Q1 वन ये क्यू थ्री ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव चार्ज है है ना तो अगर मैं बात करूं कि q1 जो है ये q3 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है है ना q3 को अट्रैक्ट करेगा नीचे की साइड हमें q3 पे फोर्स देखना है ना तो इनकी बात करेंगे ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये नीचे की साइड इसका नाम क्या रख दिया मैंने इसका नाम रख दिया f1 वेक्टर f1 ने लगाया ना ठीक है अब देखो q2 भी पॉजिटिव q3 भी पॉजिटिव तो ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हमने का f3 वेक्टर ठीक अब आप ये देखो F1 ऐसे लग रहा है F3 ऐसे लग रहा है दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा इन दोनों के बीच में तो इसको हम नाम देंगे एफ नेट बैंक क्लियर है अब इसको किस तरीके सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं हमेशा याद रखो जैसे सा है अगर मैं बात कर रहा हूं किस किस के बीच की लेट से मैं निकाल रहा हूं F1 को, को निकाल रहा रहा हूं हूं को किसको तो आप चेक करो F1 किस किस के बीच में क्यू वन और Q3 के बीच में तो फॉर्मूला वही ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है डिस्टेंस जो है सभी साइड की वन मीटर दी हुई है वही के पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर पहले चार्ज के की वैल्यू

तो हमने इसको F मान लिया सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा ठीक है तो हमने कहा F1 ऐसे लग रहा है F2 ऐसे लग रहा है क्लियर दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा आंसर है दोनों का रिजल्टेंट बीच में जाएगा ठीक लेकिन F1 और F2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमें क्या है कि इस जगह पे नेट फोर्स निकालना है ना तो हमें एंगल जो कितना बन रहा है पता होना चाहिए भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के बीच का एंगल कितना होता है सिक्सटी डिग्री होता है तो अगर ये एंगल सिक्स ये देखो टोटल एंगल कितना वन एट्टी वन एट्टी में से अगर ये सिक्सटी हो गया तो ये कितना बचा वन तो हमने क्या लिखा हमने ये लिखा यहाँ पे हमने लिखा कि भाई देखो कि और F2 ये दोनों कितने पे हैं एक दूसरे से 180 डिग्री पर रखे हुए हैं, so that their resultant is given तो उनका जो resultant मुझे निकालना है देखो अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एड कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब कर देते हैं बट अगर इस प्रकार से एंगल पे होते हैं तो वहां पर रिजल्टेंट निकालना पड़ता है ना तो यहां पर देखो नेट मुझे फाइंड आउट करना है तो नेट के लिए पहले फोर्स का स्क्वायर दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू रिजल्टेंट का 120 रख दिया कॉस वन की वैल्यू माइनस वन होती है तो वो रख दिया यहां पे देखो अगर मैं वैल्यू रख के सॉल्व करता तो बड़ा सा लगता तो मैंने पता कर लिया था एफ वन एफ टू दोनों बराबर है तो मैंने एफ वन और एफ टू को एफ लिखा और एफ की वैल्यू यही है ठीक चलो तो एफ वन का स्क्वायर ये टू एफ वन एफ टू अब देखना कि टू से तो टू कट जाएगा ये ये क्या बचेगा स्क्वायर देखो ना ये अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू से टू कट गया तो माइनस का एफ स्क्वायर यहां से कट जाएगा तो रूट एफ स्क्वायर बचेगा तो फाइनली ये कितना हो जाएगा एफ बचेगा तो हमने इसको सॉल्व किया नेट तो आपका क्या आ गया एफ

अच्छा साइड दिया 0.1 मीटर ठीक है Q1 ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो नाम दिया F1 वेक्टर Q3 ने क्योंकि रिपेल देखो सारे पॉजिटिव है ना तो सारे रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में तो नाम क्या दे दिया बताओ जरा नाम क्या दे दिया F2 वेक्टर ठीक अब ये देखो Q3 है ना Q3 तो इसको नाम दे देंगे F3 वेक्टर अब ये Q2 है Q2 ने भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये हो गया F2 वेक्टर

पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपन दोनों निकल के बीच तो सिंपल सी बात है देखना चेक करो ये एफ वन ऐसे था ऐसे है ऐसे ठीक एफ थ्री ऐसे है तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया देखो रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ थ्री तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ थ्री स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ थ्री दोनों के बीच में कितना एंगल था जैसे पहले नहीं बन रहा था

अब हमने क्या किया हमने बस इतना काम किया कि एफ डैश की वैल्यू इतनी है एफ टू हमने निकाल लिया वन पॉइंट एट न्यूटन आ रहा है ठीक है तो हमने देखा कि भाई देखो एफ टू ऐसे है f2 ऐसे है और f- डैश भी सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है ठीक है सर पहले तो रिजल्टेंट निकाल के छोड़ दिया था इस बार रिजल्टेंट के डायरेक्शन में F2 भी है तो दोनों को ऐड करा जाएगा इस प्रकार से मल्टीपल चार्जेस पर फोर्स निकाला जाता है और आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है जल्दी से मुझे बताना कि सर मजा आ रहा है अगली वीडियो जल्दी से लेकर के आना सर आप बहुत बढ़िया हो है ना जल्दी से मुझे लिख करके बताओ अरे ऐसा लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना यार कम से कम देखो चलो आगे बताता हूं आपको कुलाम लो की कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है ध्यान से सुनो कुलाम लो रेस्ट चार्जेस के लिए वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं जिनकी जिनका जो साइज है डिस्टेंस कंपैरिजन में छोटा हो ठीक है बहुत छोटा हो अच्छा और ये जो कुलाम लॉ है, है, है छोटी आगे बढ़ेंगे अब देखो, है, ये कई बार पूछे गए हैं ठीक तो ग्राफ का एक नियम जान लो इसलाम लॉ का ग्राफ पूछा जाता है तो कुलाम लॉ के ग्राफ में फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल टू के क्यून क्यू टू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर तो हमेशा याद रखो कभी भी इनवर्स स्क्वायर या कहूं कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है डायरेक्टली बनेगा ठीक तो डायरेक्टली देखो, अगर F देखो सिंपल एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर तो अगर मैं पर ये देख रहा हूं अगर मैं पर ये देख रहा हूं कि फोर्स अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि फोर्स एफ और आर क्या रिलेशन है एफ और आर क्या रिलेशन है एक f लिखा, एक लिखा, लिखा। साइड स्क्वायर तो इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा बनेगा, बनेगा. कैसा बनेगा? ठीक है अच्छा. तो ग्राफ सीधा बनता है स्ट्रेट लाइन जैसे कि अब देखो यहां पर मैंने f और आर स्क्वायर के बीच में जो है ग्राफ बनाया तो ऐसा बना ठीक है लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं एक साइड f लिखूं एक एक्सिस पे और दूसरे एक्सिस पे पूरा वन अपॉन आर स्कवासलीफ वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है one by r -square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कभी f और वन बाय आर स्क्वायर ग्राफ बनाना होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा कैसा जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा ठीक है एफ और वन बाय आर स्क्वायर ग्राफ कैसा जाता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पूछा गया है हमेशा याद रखना देखो अब कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आप यहां पर एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो पहली बात यह है कि अगर क्यू वन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो रिपल्जन फोर्स होगा चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो Q1 Q2 का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आया तो रिपल्जन फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो ग्राफ ऊपर बनेगा 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 ये बिल्कुल बिठा लो बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं ग्राफ कहां ऊपर ठीक है और दूसरी बात अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा दोनों का मल्टीप्लाई ज्यादा निकल के आया तो स्लोप ज्यादा बनाना है स्लोप ज्यादा बनाना है ठीक है क्यू वन का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स को वो रिप्रेजेंट करेगा और ट्रैक्शन फोर्स को हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे नीचे दिखाएंगे ग्राफ नीचे बनेगा ठीक है और प्रोडक्ट जो होगा

टू कूलम कॉमा थ्री कूलम वाले पेयर के लिए बात कर रहे हैं ठीक है अब टू कूलम और माइनस थ्री कूलम ये नेगेटिव इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कहां बनेगा ग्राफ नीचे बनेगा अट्रैक्शन फोर्स की साइड ठीक है अच्छा तो टू कूलम कॉमा माइनस थ्री कूलम ये चल रहा है अच्छा दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो यहां पे ये भी जो है थीटा एंगल बन रहा है और ये भी अच्छा। पेयर की बात करेंगे थ्री कूलाम के, तो के लिए दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव स्लोप कुछ उस तरीके से बन गया ठीक लेट से ये एंगल हमने बना दिया वन फोर कुल कॉमा माइनस कॉमा थ्री कूलाम ठीक है अब देखो टू और थ्री का मल्टीप्लाई किया तो क्या है नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो स्लोप नीचे जाएगा ठीक है सर स्लोप नीचे जाएगा बना देंगे और टू और थ्री का इंटू सिक्स हो रहा है फोर और थ्री का इंटू ट्वेल्व हो रहा है तो अगर दोनों का प्रोडक्ट कम तो स्लोप भी कम प्रोडक्ट कम उम्मीद करता हूं ध्यान सर, अगर दोनों पेयर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आ जाए प्रोडक्ट तो दोनों को ऊपर या दोनों को नीचे बना सकते हैं सिंपल बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपको बताता हूं कि कुल लॉपर बेस्ड और किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई देखो बैक बेंचर सीरीज है मैं चाहता हूं कि आप भले ही ये डेढ़ घंटे की वीडियो हो जाए लेकिन आप यहां से सीख करके जाए जैसे मान के चलो आपसे कभी कहा जाता है कि दो हमारे पास दो स्पीयर हैं दोनों के पास क्या है सेम चार्ज है ठीक है दोनों पे, के पास सेम चार्ज है दोनों कैसे हैं भाई दोनों के पास चार्ज क्या है क्यू चार्ज है और आपको यहां पर कंडक्टिंग स्पियर की बात की जा रही है ठीक है ए थर्ड कंडक्टिंग स्पियर अनचार्ज सेम स्पेयर इज विद इनिशियली ए तो आपने एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर पहले किससे टच कराया पहले इस पे चार्ज कितना था जीरो क्योंकि अनचार्ज है ठीक है फिर आपने क्या किया इसी को अब क्योंकि जब आप इसको टच कराएंगे तो इस पे जो भी चार्ज होगा दोनों पे आधा-आधा चार्ज आ जाएगा q/2 q/2 आ गया ठीक है फिर हमने ले जाकर के इससे टच करा दिया तो अभी क्या हो गया कि ए पे कितना चार्ज बचा q/2 ठीक अब इस पे कितना चार्ज बचेगा तो आंसर है जो भी चार्ज होगा वो कॉमन होगा दोनों पे तो पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच अपॉन कितने स्पेयर है दो स्पेयर टच करा रहे तो टू का स्क्वायर मतलब सॉरी अपॉन टू कर दो तो यहां पर मैं देखता हूं तो थ्री क्यू बाय फोर ही आ जाएगा तो दूसरे वाले पे क्या है थ्री क्यू बाय फोर ठीक है अब आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले क्या किया ए से टच कराया फाइनली फिर बी से टच कराया और इसको हटा दिया सर हटा दिया कैलकुलेट न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी तो अब आपको ए और बी पे नया फोर्स निकालना है ठीक तो यहां पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी के जब हम कंडक्ट कंडक्टिंग स्पियर को जब टच कराते हैं तो दोनों पे आधा आधा, आधा चार्ज यानी कि चार्ज बढ़ जाता है इक्वली चार्ज बढ़ जाता है ठीक है तो तो जितना चार्ज पहले इस पे था, इस पे 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 था था जीरो है ना तो Q डिवाइडेड बाय दोनों पे आधा आधा आ गया इस पे चार्ज Q था इसको यहां से हटा के यहां ले आए क्योंकि इस पे तो अब हो गया था ना तो इस पे इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज दो स्पियर से टू तो का डिवाइड करके इस पे फाइनली इतना चार्ज आ गया दोनों के बीच में जो भी फोर्स पहले लग रहा था इतना पहले इतना फोर्स लग रहा था क्योंकि दोनों पे क्यू चार्ज था है ना? बाद में पहले चार्ज पे हो गया पहले स्पेयर पे क्यू बाई टू दूसरे स्पेयर पे थ्री क्यू बाई फोर और इस प्रकार से हम निकाल देंगे कि नया फोर्स कितना हो जाएगा क्लियर है उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको सिखाएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या होती है अगर आप खूब सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह मेरे साथ करना चाहते हैं वगैरह आप टेंशन खत्म करना चाहते हो तो याद रखिए कि आप हमारा जो विनर्स बैच है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और ये जो हमारी बुक है जो भी आपको पसंद आए भाई कॉम्पैक्ट बुक चाहिए तो वन शॉट को ऑर्डर करना अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो आप इसको ऑर्डर कर देना बढ़िया से प्रैक्टिस करो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बुक आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाई गई है आप इनको प्रैक्टिस करोगे आप पाओगे सर फिजिक्स में मजा आ रहा है बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो आपके आने वाले हैं बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ लो देखो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका है ना जहां तक ये चार्ज फोर्स लगा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं और जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है तो आंसर है है e अगर एक छोटा सा चार्ज रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है ये इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं और कितना फोर्स लगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू से हम निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है और अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज की तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास चलो यहीं लिख देता हूं ये होता है e क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर के क्यूबाई डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे भी चार्ज के हिसाब से प्लस माइनस नहीं लेते डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस लेते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की की प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा तो मुझे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगी है ना इसीलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती क्लोज लूप बनाने के लिए पॉजिटिव से शुरू और पॉजिटिव पे खत्म होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ और कंटिन्यूस कर्व है यानी कि इंफिनिटी तक ट्रेवल करती हैं अगर उनको नेगेटिव चार्ज ना मिले तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं

ना क्योंकि बड़ा चार्ज धक्का दे देगा ना तो छोटे चार्ज के पास में स्मॉल चार्ज के पास में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ठीक है ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं यहां पर जो है सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपसे कई बार पूछा गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक न्यूट्रल सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा तो पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज रखा है न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट के पास दोनों ही चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर इंड्यूस कर लेता है और पॉजिटिव को रिपेल कर देता है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव की ओर जाती हुई दिख रही है और आप देख रहे हो कंडक्टर की सर्फिस बिल्कुल

आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपको डेरीवेशन वगैरह प्रॉपर सही लैंग्वेज के साथ मिल जाए क्योंकि ये हमारी बैक बेंचर सीरीज है तो इसमें मैंने लैंग्वेज नहीं ऐड करी है जैसे मान के चलो आपको चाहिए कि सर मुझे तो इस तरीके से अगर सुंदर सुंदर कंप्यूटराइज नोट्स मिल जाए तो कितना ही बढ़िया होगा ना ये सारे डेरीवेशन वगैरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिल जाएंगे तो आपको एक सिंगल पैसा नहीं देना मैंने पहले भी कहा था कि आपको ऐप पर जाना है ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से मिल जाएगा ठीक है वहां पर

ठीक उसके बाद करना है जो भी वैल्यूज है इनकी वो पुट करके एलसीएम लो आगे जब आप सॉल्व करते चले जाओगे तो एक जगह आपको Q इन टू टूल्व की जगह P रखना पड़ेगा उसके बाद स्टेप स्टेप आएगा R जो है है बहुत बड़ा L L से तो L को कर दो तो, फाइनल ये बन जाएगा कैसे सर करेंगे देखो समझाता हूं ये स्टेप याद रखो पहले जैसे मान के चलो डायग्राम में ऐसा बना दू कि माइनस क्यू चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है डायग्राम ऐसे ही बनाना ठीक माइनस के कारण दोनों के बीच के डिस्टेंस पहले तो टूएल हो गई हाँ ये सेंटर हो गया सेंटर से लेके ये मेरे पास एक्सियल पॉइंट पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ये दूरी हो गई आर ले सकते हो ठीक है अब देखो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई वन प्लस क्यू से दूर की साइड जाती है तो ऐसे आर ओ लगा माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट आती है तो ऐसे आर ओ लगाया बस कुछ नहीं करना जो बोला था बस वैसे करना है प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो के ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर तो प्लस डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर कर दिया फिर माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ठीक है माइनस के कारण डिस्टेंस ये थी तो इसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस लेते हैं साइन का प्लस माइनस नहीं लेते ठीक है इसके बाद चार्ज का तो go अब क्या है भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिया e1 e2 दोनों की वैल्यूज रखी kq कॉमन निकाल लिया lcm लिया a b a b lcm आया स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर ऑलरेडी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4rl और सॉल्व करोगे r2 से r2 कटेगा l2 से l2 कटेगा ये आ गया क्यू फोर आर एल इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं Q को अंदर भेज दिया Q into और क्यू लिख दिया P लिख टू आर की जगह टू आर अगले स्टेप में हमने कहा अगर R बहुत छोटा है बहुत बड़ा है L से तो L को नेग्लेक्ट कर दो L को नेग्लेक्ट किया तो कुछ ऐसा बचेगा ये स्क्वायर R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर फाइनली ये बच जाएगा वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है भाई की डायरेक्शन माइनस से प्लस और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी माइनस से प्लस क्योंकि पास में तो की में बताता हूं इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी बहुत आसान है बस सारा खेल इसके डायग्राम का है तो आप यहां पर समझो ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया दोनों चार्जेस के डिस्टेंस एल हो गई ये रहा

तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी सीधी ना होते हुए आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची भागती है तो उसके दो हम कंपोनेंट करते हैं ना तो हमने इसके दो कंपोनेंट किए इसके दो कंपोनेंट किए ये एक कंपोनेंट इस साइड एक कंपोनेंट इस साइड ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हमने कहा ई वन के टुकड़े कर रहे हैं तो इसका नाम ई वन थीटा और इसका नाम ई वन साइन ठीटा इसी प्रकार से ये नीचे की साइड है देखो ये कहां जा रही है नीचे भी और आगे भी तो इसके दो कंपोनेंट किए एक कंपोनेंट नीचे गया जिसका नाम ई टू साइन ठीटा और एक कंपोनेंट फिर से इधर गया ये थीटा तो ये वाला भी थीटा इसलिए ये कहलाया इ टू का टुकड़ा था इसलिए ई टू कॉस ठीटा तो फाइनली ऐसा दिख रहा है ये फाइनली कैसा दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार का सीन आपको दिखेगा क्लियर तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे आप ये पाओगे कि इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट पी पे अब देखो जब आप इस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हो ना तो इनको भूल जाया करो ये तो अब आपको नहीं देना ठीक है इनको भूल जाया करो इनको ध्यान ही देना अब आप ये देखो कि पहले तो मुझे निकालनी है प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने कहा देखो डिस्टेंस ये एल है ये आर है तो ये डिस्टेंस हो गई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इज इक्वल टू इतनी और माइनस के कारण उतनी क्योंकि दोनों की डिस्टेंस और दोनों के चार्ज दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों वैल्यूज बराबर है अब देखो मैंने कहा कि पहले पॉइंट पी पे दो ही डायरेक्शन थी राइट right वाले को पॉजिटिव माना लेफ्ट वाले को नेगेटिव मान लिया लेकिन इस बार चार डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने डायरेक्शन में चार कौन कौन सी जा रहा है पॉजिटिव माना ई टू थीटा भी लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव कोई राइट right में जाता तो उसको पॉजिटिव मान लेते ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेफ्ट में नेगेटिव राइट right में पॉजिटिव ऐसे ठीक है तो हमने क्या किया मॉड मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का Clear. अब आप ध्यान से देखो तो आप ये पाओगे इसको के बाद में आप ये पाओगे कि ई वन की वैल्यू और ई टू की वैल्यू दोनों वैल्यू तो बराबर है हाँ, तो हमने कहा ई वन सेंटिटा ई टू सेंटीटा ई वन टू थीटा हमने इसमें सब जगह क्या लिख लिया बचा है यहां पर माइनस का टू ईवन कॉस्टिटा अब मॉड से बाहर निकला तो प्लस का हो गया अब टू की जगह टू ई वन की जगह हमने ईवन मॉड से बाहर निकला प्लस का टू की जगह टू ई वन की जगह हमने ई वन की, की, की वैल्यू पुट कर दी ये देखो यह के क्यू अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा ये हमने वैल्यू पुट कर दी थीटा की जगह क्या आ गया बेस अपॉन देखो थीटा की जगह क्या है बेस है और हाइपोटेन्यूस क्या है बेस की जगह एल हाइपोटेंस की जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है रूट की वैल्यू वन बाई टू होती है तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे अब ध्यान से देखो ये देखो जरा ये टू क्यू एल की जगह क्या क्या लिख लिख दिया P दिया ठीक है है नीचे क्या बच रहा एल तो से तो आर को रखेंगे एल को नेग्लेक्ट कर देंगे इसका वैक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है डायरेक्शन ऐसे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ऐसे इसलिए हम क्या करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल तो हमें इसको जो है नेगेटिव पी के अब लिखा जाता है ठीक है चलो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं हाँ आगे बढ़ जाएंगे चलो आगे बढ़ जाते हैं अब यहां पे देखो कि आप ये समझ गए होंगे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट पे जो निकल के आ रही थी वो थी के टू पी और इक्विटोरियल पॉइंट पे जो निकल के आ रही थी वो थी के बाई आर क्यूब यानी एक्सियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है है ये दो गुना पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकिन दोनों में ही जो डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है वो वन बाय आर क्यूब है ठीक है ये डाइपोल के लिए है और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो के क्यूब बाय आर स्क्वायर तो ये किसके लिए होता है पॉइंट चार्ज के लिए तो हम देखते हैं कि भाई पॉइंट चार्ज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता, uh, करता है ये इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करता है ठीक है तो आपको यहां पर समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी जल्दी जल्दी घटेगी आंसर है इसकी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है डिप्लीट होती है है ना पॉइंट चार्ज की धीरे धीरे तो आप देखो अपॉन में जितना ज्यादा पावर होती है उतना ही कर्व डीप जाता है तो अगर मैं पॉइंट चार्ज और डायपोल की कंपैरिजन करूं तो मैं पाऊंगा कि देखो ये पॉइंट चार्ज वाला का कर्व है और ये डायपोल वाले कर्व है क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा उसका कर्व और डीप जाता है है ना कंपैरिजन हमेशा याद रखना क्लियर चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आपको बताते हैं देखिए तो अभी हमें समझना है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली

बताना चाहूंगा कि जो थीटा जो आप देख रहे हो ये किस किस के बीच का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सर एरिया वेक्टर क्या होता है तो किसी सरफेस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है जैसे अगर मेरे पास ये सरफेस है अगर मेरे पास ये सरफेस है ठीक है तो इस पर एरिया वैक्टर कहां होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एरिया वैक्टर ऊपर जाएगा क्लियर है अच्छा तो मैं ये चेक करूंगा भाई देखो अगर कोई सरफेस इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरल रखे हुई। ये सरफेस है ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो अब एंगल चेक करेंगे तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वैक्टर तो दोनों के बीच में कितना एंगल नाइनटी डिग्री क्लियर तो चलो तो अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरल है प्लेन के पैरेलल है तो एंगल कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री अच्छा ठीक है इसके बाद देखो दूसरा केस ये बनता है मान के चलो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ये मेरे पास सरफेस है ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है

थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ही है ऐसे दिखाई गई है क्वेश्चन में लेकिन एरिया वेक्टर का अंदर नहीं दिखा सकते एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे जस्ट ऑपोजिट तो टीटा की वैल्यू 180 डिग्री कितना डिग्री क्लियर है अच्छा देखो इसके बाद अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है यहां पे ऐसे तो यहां पर कितना एंगल 90 डिग्री हो गया क्लियर है तो इस तरीके से आप एंगल हमेशा निकालते हैं समझ गए बात को अच्छा हमेशा याद रखो देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरल है

बन रहा है और ऐसे केस में जो फ्लक्स होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा क्लियर है चलो आगे बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताता हूं आपको लेकिन छोटी सी बात क्या आप कभी एंगल में कंफ्यूज ना हो तो आप समझ लो कभी भी किसी क्वेश्चन में गोल्डन पॉइंट होगा गोल्डन पॉइंट कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि एंगल प्लेन के साथ बन रहा है ठीक है एंगल जो है प्लेन के साथ दिखाया किसके किसके साथ दिखाया गया प्लेन के साथ अगर थीटा बन रहा है तो जो एंगल आपको लेना है वो 90 माइनस जो एंगल दिया है उसको कर देना देखो यदि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि एंगल जो है प्लेन के साथ बन रहा है तो थीटा कितना लेना है 90 माइनस जो एंगल दिया गया है समझाऊंगा अभी जैसे मान के चलो प्लेन के साथ 30 डिग्री बन रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे 90 यानी कि 60 डिग्री क्यों लोग तो प्लेन के साथ एंगल नहीं कंसीडर करना एरिया वेक्टर के साथ करना होता है ठीक है और अगर एंगल नॉर्मल टू द प्लेन यानी एरिया वैक्टर के साथ ही बन रहा है तो ठीटा की वैल्यू जैसे की जैसी रखनी है ठीक है एरिया वेक्टर के साथ बन रहा है तो भी ठीटा की वैल्यू जैसे की जैसी रखनी है बहुत सिंपल सी बात देखो मैंने आपको बताई क्वेश्चन

क्या बताया गया है? कि नॉर्मल टू द सरफेस के साथ एंगल बन रहा है कितना 30, तो थीटा को जैसा का जैसा का ही रख के solve कर लेना है दूसरे case में कह रहा है दूसरे में रहा कि सरफेसिक्सटी डिग्री विदेस सरफेस और प्लेन की तो अगर प्लेन के साथ एंगल सिक्सटी बन रहा है तो जो एंगल दिया है उसको 90 में से घटा दो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी

कंपोनेंट है एक जो कि एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में ठीक है और वाई में और जेड में फील्ड क्वेश्चन में जीरो दी गई है बताया गया है कि यहां पे मतलब x जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमें कनेक्ट होगा अब भाई ये मेरे पास क्यूब है क्या है क्यूब तो पहली चीज मुझे समझना और डिस्टेंस दी हुई है देखो ये ओरिजिन है ये क्यूब है ये डिस्टेंस बोली है ए है क्या डिस्टेंस है ए डिस्टेंस है ठीक है और ये जो साइड है क्यूब की ये साइड भी ए दी है यानी कि ये वैल्यू ए है ये वैल्यू ए है सारी वैल्यूज ए दी हैं तो जैसे मुझे पहले साइड के लिए पहली सरफेस के लिए बात करूंगा ना तो तो डिस्टेंस कितनी लूंगा एक्स एक्सिस है तो डिस्टेंस लूंगा एक्स की वैल्यू ए लेकिन जब दूसरी वाली सरफेस की बात करूंगा ये ए और ये दूरी ए तो जब दूसरी वाली सरफेस की बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या लूंगा टू टाइम्स ऑफ ए ए प्लस ए ठीक है अब कैसे इस क्यूब से फ्लक्स निकाला जाता है वो आपको समझाता मोस्ट इंपोर्टेंट है छह तो फील्ड इस है. है? तो डायरेक्शन में है, है ना क्वेश्चन मिलेगा एक्स एक्सिस में तो आप ये देखोगे कि एक सरफेस नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल पैरेलल में फ्लक्स जीरो होता है एक सरफेस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी पैरेलल एक सरफेस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी पैरेलल है क्योंकि ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल में ठीक है ऐसे जा रही है ठीक एक सरफेस ऐसे इसके भी पैरेलल लेकिन जो दो सरफेस होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पैरेलल नहीं होती इनके आर-पार घुसती है ना तो हमें बाकी सभी सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा लेकिन ये जो आप दो सरफेस देख रहे हो एक ये S1 और एक जो S2 सरफेस इनके लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल Φ EA e cos θ आपको लगाना है ठीक है सर लगा देंगे अब आप समझो अब आप समझो E की वैल्यू आपको गिवन है

बॉडी है तो inward तो तो इनवर्ड अंदर की साइड तो नहीं दिखा सकता एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड बनेगा तो ये हो गया एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री अब ये वाली सरफेस के लिए आ जाओ तो यहां पे देखो जरा इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में सर आपने पहले इस साइड क्यों नहीं लिया अरे ये बॉक्स है

ए क्या है एरिया कॉस थीटा की जगह कॉस 180 क्यों इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिस साइड एरिया वेक्टर इस साइड थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखी थी चलो रखा कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है एट अल्फा की वैल्यू ये दिया 800 एक्स की वैल्यू पहली सरफेस के लिए डिस्टेंस का है ए तो एक्स की जगह लिखा पावर कैपिटल ए क्या है एरिया तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा तो बोला साइड का स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर हमने सॉल्व किया माइनस एट हंड्रेड की पावर देखो ये आधा और ये दो ए के ऊपर जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे तो two two. हम तो हम ऐड करेंगे आ जाता है आधा और दो ढाई हो गया ठीक है तो ढाई को हम फाइव बाई टू लिखते हैं तो फाइव वन की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एट हंड्रेड ए की पावर फाइव बाई टू क्लियर है अच्छा ध्यान दो जरा ध्यान दो जरा अभी इसके बाद आप ये समझो कि जैसे आपको

टू तो ए की पावर थ्री बाई टू इन टू में कॉस जीरो की वैल्यू वन है तो हमने सॉल्व किया फाइव वन की वैल्यू इतनी आ रही है फाइव टू की वैल्यू इतनी आ रही है नेट फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइव इज इक्वल टू तो फाइव वन प्लस फाइव टू हमने फाइव वन की वैल्यू रखी फाइव की वैल्यू रखी सॉल्व करके आंसर जो है इतना आ रहा है ठीक है

एरिया वेक्टर बाहर की साइड दिखाना है जीरो सॉरी वन एट्टी डिग्री क्लियर चलो इसके बाद देखो जरा ये वाली सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखेंगे 90 डिग्री तो इसमें तीन सरफेस हैं पहली सरफेस की दूरी वन मीटर दूसरी सरफेस की दूरी टू मीटर तो पहली सरफेस के लिए x की जगह वन मीटर लेंगे दूसरी सरफेस की x की जगह टू मीटर लेंगे बस कुछ नहीं करना अब देखो जरा ध्यान से कुछ नहीं करना आपने क्या निकाला ये थीटा, ये कॉस थीटा अच्छा इसका एरिया भी आपको दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखो

तो गॉज लॉ में ये बताती है कि यदि किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज Q एनक्लोज है क्यों रखा हुआ है तो सरफेस से कितना नेट फ्लक्स लिंक होने वाला है तो गॉज लॉ हमसे कहता है कि यदि किसी सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज क्यू एनक्लोज है तो उसका वन बाय एप नॉट टाइम्स प्लक्स जो है लिंक होगा मतलब जैसे मैं कह रहा हूं सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है चार्ज रखा है थ्री कुल तो उससे फ्लक्स कितना लिंक होगा तो उसमें का डिवाइड कर दो बस इतनी सी बात है ना तो अगर सरफेस के अंदर चार्ज बंद है क्यू तो उसमें एपस नॉट का डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्यू और ये वन नॉट का इनटू तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स लिंक टू क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू वन टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट द सरफेस ठीक है अब जो फ्लक्स है उसका एक ये फॉर्मूला भी होता है इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इस फॉर्मूले का ज्यादातर इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो फ्लक्स है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं पहला जो है आपका पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स जब आ, क्लोज्ड सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि जो इलेक्ट्रिक है वो हो बाहर की ओर जा रही हो नेगेटिव फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की ओर आ रही हो, मतलब जो नेट चार्ज अंदर है वो नेगेटिव होगा और नेट चार्ज अगर अंदर जीरो है जैसे कि डायपोल रखा हुआ है या एकदम खाली है तो जो फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है ठीक है तो तीन टाइप का आपका ये फ्लक्स होगा अब हमेशा याद रखो तो मैंने क्या कह, कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होने वाला है दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाय बायस नॉट अच्छा हमेशा याद रखें कि बाहर वाले क्यू से मतलब नहीं होता ठीक है क्यू एनक्लोज बाहर वाला चार्ज नहीं लेना बाहर वाला चार्ज नहीं देखना नहीं देखना सरफेस के बाहर वाला चार्ज हमें नहीं देखना है क्लियर है अच्छा इसके बाद आपको ध्यान रखना है जैसे जो गोजियन सरफेस है जो सॉरी जो गॉज लॉ है गॉज लॉ ये गॉज लॉ ना हमेशा क्लोज्ड बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है किसके लिए क्लोज्ड बॉडी के लिए तो जब हम जब हमारे पास ओपन चार्ज रखा है तो इसको हमें चार्ज को चारों ओर से क्लोज करना पड़ता है ठीक है और ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं गोजियन सरफेस ग सरफेस का काम होता है चार्ज को चारों ओर से कवर करना ठीक है तो हमेशा याद रखिए मैं यहां पर सीधे काम की बात करूंगा जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा पॉइंट चार्ज होगा तो आप कौन सी सरफेस ले लो स्फेरिकल सरफेस ले लो जब हमारे पास चार्ज किसी भी वायर पे फैला होगा तो आप वहां पर सिलेंड्रिकल कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताया जाएगा अगर आपके पास एक चार्ज चार्ज शीट भी भी है तो भी उसके अंदर को कवर करने के लिए आप सिलेंड्रिकल गॉजियन सर्फेस से काम चला सकते हैं कैसी सिलेंड्रिकल गॉजियन सर्फेस से काम चला सकते हैं क्लियर है अच्छा गोजियन सर्फेस का मेन पर्पज क्या है चार्ज को चारों ओर से कैद करना बिकॉज लॉ क्लोज बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल होती है सरफेस इमेजिनरी सरफेस है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी उसी पॉइंट से हम पास होती हुई सरफेस बनाएंगे चलो पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से प्रूव करा जाता है लेकिन जैसे फ्लक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा एक बात आप याद रखोगे कि

इस Q ये Q का है भाई ये पॉइंट O पे Q रखा हुआ है क्लियर इसके चारों ओर हमने एक सरफेस बनाई एक इमेजिनरी गोजिन सरफेस जो कि स्पेरिकल शेप की के हमने ले ली हमने देखा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती है और यहां पर एक छोटा सा हमने एरिया वेक्टर जिसको हमने डीएस वेक्टर नाम दिया वो हमने कंसीडर कर लिया क्लियर है ये जो छोटी सरफेस है उसका नाम डीएस तो यहाँ पे थीटा कितना दोनों सेम डायरेक्शन में जीरो है ना तो फाइव इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर होता है इसको हमने ओपन किया तो ई थीटा आ गया थीटा की वैल्यू यहां पे जीरो डिग्री है ई डी एस बचा कॉस्ट जीरो की वैल्यू क्योंकि बन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कैसी है कॉन्स्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस

तो टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेना और प्रिंटेड नोट चाहिए तो ऐप से डाउनलोड कर लेना बढ़िया मार्क्स चाहिए तो आप हमारी जो बुक है उसको बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करें आपको मजा आ जाएगा तो इस तरीके से प्रूव किया जाता है कई बार क्या होता है कि आपसे यह पूछ लिया जाता है कि आप कुलाम इनवर्स को से प्रूव करें। यानि कि जो कुला फॉर्मूला के लिए आपको बस एक बात याद रखना है कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय अक्सल नॉट भी होता है तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू को हमने आमने सामने पुट किया तरीका वही है यहां पे चार्ज है क्यू ये देखो मैं आपको इसको प्रॉपर बना के बताता हूं देखो यहां पे चार्ज है यहां पे चार्ज है क्यू इसकी रेडियस है कैपिटल आर यहां पर हमने क्या किया एक छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा इसके चारों ओर हमने एक गोजियन सरफेस बनाई जो कि ऑबियस बात है स्पेरिकल होगी इस जगह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है तो हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में छोटा सा हमने डी एस कंसिडर किया और यहाँ पे डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर दिखाया तो वो इस प्रकार से बनेगा ठीटा की वैल्यू जीरो स्पेयर के लिए हमेशा टीटा की वैल्यू जीरो कंसिडर करनी है तो ई डी एस कॉस जीरो होगा क्यों बाय चल नॉट चल ही रहा है कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो सिंपल ई डी एस चल रहा है क्योंकि ये क्लोज बॉडी है तो ऐसा क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया हुआ है ियर इसके बाद डीएस का देखो ई e को हमने बाहर निकाल दिया ठीक डीएस का इंटीग्रेशन हुआ तो फोर पाई आर स्क्वायर आ गया फोर पाई आर स्क्वायर को इस साइड भेजा

टू बाय आर स्क्वायर है ना तो इस प्रकार से हम गॉस लॉ की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं अच्छा तो जो मेन फॉर्मूला आपने अभी गॉस लॉ का पढ़ा वो क्या था फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सल नॉट अब इस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो मैं आपको जरूर से अभी कराना चाहूंगा फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं डेवेशन है और वो हम करेंगे अभी क्लियर है देखो जरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है किस तरीके से पूछा जाता है इसको ध्यान से समझेंगे आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है मैंने हमेशा क्या कहा आपसे कि अंदर वाले चार्ज भी ध्यान देना है बॉडी के अंदर कितना चार्ज है बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है एक बात याद रखो कभी नुमारकल में पूछ लिया जाए एमसीक्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में के जो लॉ में ई e जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है ई डी एस है है ना तो ई जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की और बाहर की दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है लेकिन जो चार्ज होता है सिर्फ बाहर वाला इंपॉर्टेंट होता है ना बस इस बात को आप याद रखो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है ठीक अच्छा आगे बढ़ेंगे तो आप समझो फाइंड रेश एस वन एंड एस टू एस वन और एस टू से कितना फ्लक्स लिंक होगा बस आपको यह बताना है इस तरीके से एस वन और एस टू को बताया जा रहा है क्लियर हाउ विल द फ्लक्स थ्रू एस वन चेंजेस एस वन का फ्लक्स किस तरीके से बदलेगा यदि एस वन यानी अंदर वाले के अंदर हम एक भर दें जिसकी वैल्यू होगी 5। तो देखो सिंपल सी बात है कि फ्लक्स मुझे निकालना है फ्लक्स का रेशियो निकालना है एस वन और एस टू से तो मैंने कहा एस वन से जो फ्लक्स कनेक्ट होगा इसका नाम हमने रख दिया फाइव वन क्या नाम रख दिया फाइव वन नाम रख दिया ठीक है फाइव वन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है क्यू एनक्लोज्ड ऑन एफ्सल नॉट तो भाई देखो एस वन से कितना फ्लक्स लिंक होगा हमने कहा इसके अंदर चार्ज कितना है तो हमने कहा चार्ज है क्यू तो क्यू बाय एपसाल नोट ठीक है अब देखा फाइव टू यानी इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा तो हमने कहा इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है तो आप बच्चे कहेंगे सर टू क्यू नहीं ये ये जो q और टू क्यू दोनों इसके अंदर ही है ना इसलिए आपको याद रखना है कि पांच गुना कम हो जाएगा अगर आप इसके अंदर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम भर देंगे जिसकी वैल्यू फाइव है तो इसके साथ लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो पांच गुना कम हो जाएगा क्लियर चलो आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है अच्छा इसमें भी आप ये देख लो जैसे मान के चलो कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 3q ठीक है चलो -3q रखा हुआ है क्लियर अब आपसे फिर से पूछा है रेशियो कितना होगा तो जैसे s1 से कितना फ्लक्स है तो s1 के अंदर कितना चार्ज है? हमने कहा ये दो चार्ज 2q q तो 3q ε0 ठीक है अब s2 के अंदर कितना चार्ज है s2 के अंदर और s2 के अंदर देखो एक डाइइलेक्ट्रिक भरा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 है तो हम कुछ नहीं करेंगे देखो पहले से लिखा है 5 है तो क्या करेंगे देखो डाइइलेक्ट्रिक ऑफ k 5 इज फिल्ड इन स्पेस बिटवीन s1 एंड s2 तो इस स्पेस में भरा गया है तो हम क्या करेंगे देखो बाहर वाले चार्ज को तो देख रहे हैं नहीं है बस s2 के अंदर नेट कितना चार्ज है तो s2 के अंदर नेट कितना चार्ज है बोला 6q थ्री क्यू तो ये नाइन क्यू बाई एफ नॉट और के का इंटू हो गया नॉट दोनों का रेशो निकाला ये निकल के आ गया इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं चलो आगे बढ़ेंगे अब देखो अब क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है इसको समझ लो ठीक है अब क्यूब में मैक्सिमम आपसे चार ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा जैसे आपसे कहा जाएगा कि मेरे पास एक क्लोज्ड क्यूब है है ना एक क्यूब है क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो क्यूब की सरफेस से एक सिंगल या पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा अगर क्यूब के वाटिक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा क्यूब के साइड पे चार्ज रखा है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा और क्यूब के सरफेस पे चार्ज रखा है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा कभी भी आपको इसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना होगा क्योंकि अब जो सारा का सारा है कॉन्सेप्ट का खेल है है ना तो बस ये जो चार्ट आपके सामने बना है आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं बढ़िया से आप पढ़ सकते हो कभी भी सेंटर पे अगर चार्ज रखा है सेंटर पे क्यूब के अंदर तो छह सरफेस से बराबर फ्लक्स लिंक देखो पूरे क्यूब से पूरे क्यूब से क्यूब है है ना क्योंकि पूरे के अंदर चार्ज Q है। एक सरफेस की बात करूं क्योंकि इसमें टोटल छह सरफेस होती है ना तो मैंने छह का डिवाइड कर दिया तो एक सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक होगा अच्छा हमेशा याद रखो कि अगर क्योंकि ये चार्ज तो चारों ओर से पैक था तो हमें कोई और सरफेस की जरूरत नहीं पड़ी अब चार्ज अगर वर्टिक्स पे रखा है तो ये चार्ज क्लोज सरफेस मतलब ये चार्ज चारों ओर से पैक नहीं है तो हमें कोई गोजियन सरफेस की आवश्यकता होगी तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इसके इस चार्ज को कवर करने के लिए टोटल आठ क्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने डिटेल में पहले डिस्कस किया था तो अभी आप याद रखो तो अगर मैं कहूं कि एक क्यूब से कितना फ्लक्स एक क्यूब से ऐसे केस में वर्टिक्स वाले केस में याद रखना है आपको एक क्यूब से कितना फ्लक्स क्यूब आए ए ट नॉट क्लियर है और इसमें आप ये देखेंगे कि जब जो चार्ज है वो क्यूब कि वर्टिक्स पे रखा होता है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तीन सरफेस के पैरल हो जाती है क्या हो जाती है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी इस प्रकार से इस प्रकार से बनेंगी ठीक है तो तीन सरफेस के पैरल हो जाती है जिससे जो फ्लक्स होता है वो जीरो हो जाता है तीन सरफेस से तो कुल मिला के तीन सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना बचा क्यू बाय एट एफ नॉट या फिर ऐसा कहो कि एक क्यूब की तीन सरफेस से फ्लक्स जीरो है तो टोटल जो बची हुई तीन सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक होता है एक सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक होता है अगर मेरे पास इस प्रकार से साइड में अगर चार्ज रखा है तो पूरे क्यूब से क्यू बाय फोर जो है फ्लक्स लिंक होता है ऐसे केस में सिर्फ दो सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाती हैं तो उनसे फ्लक्स तो जीरो होता है तो मैं ये कहता हूं कि एक क्यूब की बस चार सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है तो एक सरफेस से इतना फ्लक्स लिंक होगा जब साइड पे रखा होगा तो ये डेटा हमारे पास है इसको मैं कहूंगा कि आप बढ़िया तरीके से प्रॉपर आप इसको नोट कर लें और इसको अपने दिमाग में बिठा लो इसको अपने प्रॉपर तरीके से दिमाग में बिठा लो कि भाई ये हमारा जो है काफी यूजफुल होने वाला है कम से कम दो केस तो बोर्ड के लिए आप याद रखेंगे क्लियर है अच्छा अच्छा एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है क्यू बायस नॉट था यहां पर मुझे ना चार्ज को चारों ओर से कवर करने के लिए आठ क्यूब लगे थे इसलिए एट बाय एप्साल मतलब क्यूबाई एट बायसलो हो गया एक क्यूब का यहां पे कवर करने के लिए चार्ज को चारों ओर से कैद करने के लिए यहां पे चार क्यूब का मैंने इस्तेमाल किया था चारों ओर से ढकने के लिए तो ये फोर क्यूबा फोर एफ साल नोट हो गया यहां पे ये यह सरफेस पे था तो कवर करने के लिए मुझे बस दो क्यूब लगे टोटल तो क्यूबाई टू एफ साल नोट हो गया क्लियर है इसके एक सरफेस के पैरल है तो पांच सरफेस से टोटल इतना फ्लक्स लिंक एक सरफेस से इतना हो गया ठीक है चलो ध्यान रखोगे चलो आगे बढ़ जाते हैं अब जैसे मान के चलो कि इस पर बेस्ड एक कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे कहते हैं कि एक हेमिस्फीयर है उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा तो हमने कहा पहले तो उसको कवर करो तो हमने एक और हेमिस्फीयर बना लिया हमने एक और हेमिस्फीयर बनाया तो हमने पाया कि भाई पूरी क्लोज बॉडी से जो फ्लक्स लिंक होता है ना वो कितना होगा क्यू बा नॉट

देखो जरा अभी मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम देखो मेरे पास ना एक, एक चार्ज कंडक्टर है इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और उस पर फॉर्मुला बेस्ड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं ये मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है अब इस कंडक्टर के कारण मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट वी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो देखो मैं क्या करूंगा भाई इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर मैं एक गॉजियन सर्फिस बनाता हूँ ठीक है तो इस पॉइंट से पास होती हुई मैं एक गोजन सरफेस बनाऊंगा और मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर चार्ज हो लाइन चार्ज हो तो वहां पर सिलेंड्रिकल गोजन सरफेस हम यूज़ करेंगे क्लियर अब ये जो हमारे पास में आप देख रहे हो ये जो लीनियर चार्ज है ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे ऐसे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस सर्फेस पर एरिया वैक्टर ऐसे होगा तो इस सर्फेस पर जो टीटा होगा वो जीरो डिग्री होगा लेट्स दिस सर्फेज एस वन दिस सर्फेस एस टू एंड दिस सर्फेस एस थ्री अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे भी ऐसे ही होगी लेकिन ये जो सरफेस है इसका मुंह ऊपर की साइड ऐसे है तो इस पर जो एरिया वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा तो सेकेंड सरफेस के लिए ठीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी लेकिन एरिया वैक्टर की वैल्यू अब ऊपर नहीं जा सकती होगी ऊपर इनवर्ड नहीं जा सकता ना आउटवर्ड ही जाएगा हमेशा बाहर की ओर तो ds वेक्टर ऐसे तो इस सरफेसल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बस अब आप ये समझो कि मुझे तीनों जो है थीटा की वैल्यू पता है तो देखो जब मैं क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं तो मैंने e वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिया जब मैं अलग-अलग सरफेस की बात करूंगा तो यहां पर मैंने देखो क्लोज का साइन नहीं लगाया ठीक है क्योंकि ये अलग-अलग सरफेस की बात की जा रही है ठीक है तो मैंने तीनों सरफेस के लिए e वेक्टर डॉट ds वेक्टर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा और ये सब मिला के q ε0 के बराबर होता है क्लियर अब आप भी समझो कि पहली सरफेस के लिए s1 के लिए थीटा 0 है s2 के लिए 90 है s3 के लिए 90 है तो s2 और s3 के लिए जो वैल्यू आई वो 0 हो गई

2πrl के बराबर लेट्स से इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने h मान ली या इस सिलेंडर की हाइट जो है हमने l मान ली क्लियर तो आप यहां पर देखेंगे कि जो eds is equal to q ε0 है e बाहर आ गया ds का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πrl हो जाएगा क्योंकि ये सिलेंडर का पार्ट है ds ठीक है चलो तो q ε0 अब ये 2πrl को मैं इस साइड भेज दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचेगी वन बाय टू देखो ये नीचे आ जाएगा Q बाय आर एल क्लियर अब आप भी समझो अगर चार्ज जो है एक ही पॉइंट पे रखा होता है या स्पियर की सरफेस पे होता है तब तो हम इसको Q मान लेते हैं ठीक है लेकिन ये चार्ज किसी लेंथ पे फैला है तो हम वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी क्या होती है Q बाय एल मतलब कितने लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है तो यहां से Q इज इक्वल टू आ गया लेमडा एल क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल आ गया तो हम क्या करेंगे बस ये जो आप Q देख रहे हो उसकी जगह लेमडा एल पुट कर देंगे L से L कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी का जो ग्राफ है लेमडा का वो कुछ इस प्रकार से बनता है क्लियर है फॉर्मूला बेस्ड एकदम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि आप कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे अब जैसे इसमें एक चार शीट होगी मेरे पास जैसे मेरे पास ये एक चार शीट है ये देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे पास एक चार शीट है अब इस चार शीट पे ना हर जगह चार्ज है क्लियर है अब इनफाइनाइट लॉन्ग है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले मैं थोड़ा सा चार्ज को क्लोज करूंगा तो मैंने यहां पर एक सिलेंडर बनाया इस सिलेंडर के अंदर थोड़ा बहुत चार्ज आ गया ठीक है अब इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया अब सिलेंडर तो मैंने कंसिडर कर लिया मुझे क्या करना है एंगल चेक करना है तो फिर से देखो इस सरफेस के लिए एंगल अब तो आप होशियार हो समझदार हो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जाने वाले हैं तो यहां के लिए

सरफेस एरिया ऊपर जाएगा वेक्टर ठीक है तो यहां पर जो एंगल होगा ये होगा टीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री लेट्स सरफेस एस वन दिस सरफेस एस टू और जो कर्ड सर्फेस उसको हमने नाम दिया एस थ्री क्लियर है तो यहां पर हमारा कुछ ऐसा बन गया कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो आ गईस और ईडीएस दोनों का इंटीग्रेशन करना है, है. क्यूब है और यहां पर आप पाएंगे कि डीएस डीएस का इंटीग्रेशन हो गया हमने लिखा कैपिटल ए डीएस मतलब स्मॉल सरफेस कैपिटल ए मतलब बड़ी सरफेस डीएस का फिर से इंटीग्रेशन हुआ बन गया कैपिटल ए तो टू इक्वल टू में लिखा है क्यू बाई एफ्सलॉट फिर से पहले थी लीनियर चार्ज डेंसिटी तो था चार्ज अपॉन लेंथ लेकिन अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया तो क्यू इज इक्वल टू सिमा ए हम लिख सकते हैं तो Q की जगह सिग्मा ए जैसे ही मैं लिखूंगा इस इक्वेशन में तो ए से ए कट जाएगा ई इज इक्वल टू सिमा बाय टू एफ नॉट बचेगा इसका मतलब ये होता है कि यदि मेरे पास कोई भी एक चार्ज शीट है तो उसके एक साइड पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा बाय टू है? अच्छा यहां से हमें एक छोटी सी बात ध्यान देनी है जो मैं आपको अभी सिखाना जा रहा हूं कि जैसे मेरे पास एक चार्जशीट है ठीक है ये पॉजिटिवली चार्जीट है ठीक है ये भी पॉजिटिवली चार्जीट है दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगी और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल ये सिग्मा दोनों के कारण किसके कारण दोनों के कारण दोनों के कारण ठीक है दोनों के कारण इतनी होगी क्लियर है अच्छा देखो इसके बाद इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूं यहाँ पे जैसे मान के चलो कि अगर ऑपोजिट चार्ज है ये बहुत काम की चीज है अगर ऑपोजिटली चार्ज सरफेस है ठीक है ये ऑपोजिटली चार्ज सरफेस है

पहला जो मतलब क्वेश्चन का नाम है डेरिवेशन का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर या चार्ज कंडक्टिंग शेल देखो तो ये मेरे पास कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है ठीक है यहां पे मैंने एक गॉजिन सरफेस बनाई पहले मुझे आउटसाइड द uh, जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मतलब जब गॉजियन सरफेस की रेडियस बड़ी है और इस स्पीयर की रेडियस छोटी है क्लियर है मतलब आउटसाइड द स्पीयर तो फिर से सेम से बात सारी चीजें एंगल फिर से जीरो हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी वगैरह हो गया ठीक है इसके बाद सब सेम रहेगा कुछ भी अलग नहीं है देखो यहां पर तो रेडियस यहां पे आई, 4 पाई आरे है? अच्छा गॉजिन सरफेस का सरफेस एरिया फाइव की जगह नोट लिख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई वो हमारी इतनी निकल के आई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई? सेम पॉइंट चार्ज तो चाहे स्फीयर बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए सेम ही जो है रिजल्ट आने वाला है अच्छा इसके बाद कभी ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी बनेगी तो फिर से देखो सरफेस पे कितनी बनेगी तो इस बार हम क्या करते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सरफेस की जो रेडियस थी वो r थी

होगा भाई सब जो है जीरो होगा कैपिटल आर की वैल्यू इस बार स्मॉल आर के बराबर है गॉसियन सरफेस के बराबर देखो यहां तक आ गए डी का इंटीग्रेशन कितना हो गया फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि इस बार वैसे देखो वैसे डीएस वगैरह हम किसके ऊपर लेते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर लेकिन इस बार गॉसियन सरफेस और जो है उस दोनों की रेडियस सेम है ना इसलिए 4 r बनाया है। वैसे 4 r लेते। लेकिन दोनों लिखा, जो कि हम लिख सकते हैं अब आप यहां पर देखो बहुत काम की बात है क्योंकि ये चार्ज है सरफेस पे फैला हुआ है और हम सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमने क्यू की जगह क्या लिख लिया क्यू की जगह होता है सर सिग्मा इंटू ए तो क्यू की जगह सिग्मा की जगह सिग्मा और ए

ठीक है चलो इसी प्रकार से अगर इस बार मुझे मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर तो इनसाइड द स्फीयर निकालनी है तो हमने क्या किया कि अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अंदर एक गॉसियन सरफेस बना ली सब कुछ एंगल वगैरह फिर से जीरो वगैरह शो करा यहां तक आ गए लेकिन फिर हमने देखा पाई इज इक्वल टू बाय एप्सिलॉन होता है लेकिन इसके अंदर तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो स्पीयर पे है तो इस बार जो चार्ज की वैल्यू है वो जीरो हो गई जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई और इस प्रकार से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्पीयर या शेल के कारण जो है जीरो होती है उसके इंटीरियर में क्लियर है आप स्क्रीन ले सकते हैं टेलीग्राम से नोट डाउनलोड कर लेना म में डाउनलोड कर लेना डॉक सेक्शन में जाकर के अभिषेक फिजिक्स पे ठीक है तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है से कि देखो अगर मैं के सेंटर पे होता हूँ होता हूँ स्पीयर के सेंटर पे होता हूँ तो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है तो मैंने ये बताया जैसे ही अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चल रही है चल रही है चल रही है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाई 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 ये दिखाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ठीक है अब जैसे ही हमारी जो दूरी है जैसे हमारी दूरी इस कैपिटल आर के बराबर हो गई यानी कि इसकी रेडियस, दूरी जो है स्मॉल आर इसकी रेडियस के बराबर हो गई तो हम तो मैक्सिमम बताया था सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है और क्या रिलेशन होता है के बराबर, तो बाहर जा रहे तो फील्ड घट रही है और इसको हमने इस प्रकार से शो किया तो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ई वर्सेज आर फॉर कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर ठीक है सॉलिड स्फीयर के लिए भी चलो आगे बढ़ेंगे ये बात याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी है जीरो है चाहे वो सॉलिड स्पियर हो या फिर होलो स्पियर हो क्लियर है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी जो मैंने अभी आपको बताई अब आप इस पर ना कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है फिर टॉर्क समझाता हूं आपको देखो अभी मुझे समझना है कि यदि कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है किस तरीके से डिराइव किया जाता है पूछा जाता है और इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है देखो आपको बताता हूं जैसे मान के चलो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है कुछ इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा है ठीक है अब डायपोल है तो माइनस और प्लस चार्ज दोनों ही इसके अंदर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को धक्का देगी और फोर्स लगाएगी इस पर एफ इज इक्वल टू क्यू ही ठीक है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी तो इस पर भी फोर्स लगाएगी एफ इज इक्वल टू क्यू ही क्लियर है

दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ठीक है तो आप देखो परपेंडिकुलर ये हो गया आपसे ऐसा कह हमने नाम दिया ए सी ए सी तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस हमें पता है तो हमने लगाया साइन थीटा इज इक्वल टू परुलर बायपोटेन्यूस तो प्रकार से हमने साइन थीटा की जगह एसी बाय टूएल्व रखा ए मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 12 तो यहाँ से ए की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू ट्वेल्व साइंटीटा आई तो क्यू जो कि फोर्स था और 12 ट्वेल्व साइंटीटा हमने लिखा इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो टू क्यू एल इन ई साइंटीटा आ जाएगा टू क्यू की जगह पी आता है और ई e की जगह ई e आता है साइंटीटा की जगह साइंटीटा तो फिर टॉर्क को हम वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं पी वैक्टर क्रॉस होता तो डॉट लगाते है, थीटा है, इसलिए क्रॉस लगा ये जो टॉर्क का हो जाता है अगर मैं यहीं पर चेक करूं तो मैं ये पाऊंगा कि थीटा की वैल्यू जब नाइनटी डिग्री होगी तो टॉर्क हमारा जो है पीई लगेगा मैक्सिमम होगा ठीटा की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क हमारा जीरो लगेगा ठीक है यानी कि मिनिमम टॉर्क लगेगा अच्छा ठीटा किस किसके बीच का एंगल है तो याद रखो ठीटा जो एंगल है ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है क्लियर अच्छा यहां पे ध्यान रखना है कि डाइपोल में दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कि जीरो डिग्री पे होता है और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो कि वन एट्टी डिग्री पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल को जब आप कैसे भी घुमाते हो तो वापस से उसी पोजिशन में आ जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब डायपोल रखा होता है वन डिग्री पे मतलब डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे तो अगर डायपोल को आप घुमाते हो तो कभी भी वो दोबारा से वन डिग्री में लौट के नहीं जाएगा है ना घूम जाएगा क्लियर तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस होते हैं तो अब इस पर भेजना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा है तो उस पर क्या क्या लगेगा तो आंसर है उस टॉर्क भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा और उस पर फोर्स भी लगेगा यानी कि लीनियर फोर्स भी लगेगा तो उसका जो मोशन होगा वो घूमेगा भी रोटेशनल मोशन भी होगा ठीक है और रोटेशनल मोशन भी होगा प्लस इसका लीनियर मोशन यानी कि आगे भी बढ़ेगा आ, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका दोनों टाइप का मोशन होगा रोटेशनल भी और लीनियर मोशन भी क्लियर ध्यान रखोगे और इस पर पर बेस्ड इक्वल टू पी थीटा सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्लियर ध्यान रखेंगे अब देखो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल टाइप के एक सिस्टम इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल कराना चाहता हूं जो कि मैं स्किप करना नहीं चाहता हूं देखो बताऊंगा आपसे कह दे कि भाई एक चार्ज मेरे पास क्यू है दूसरा चार्ज मेरे पास क्यू है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीचों बीच पाया जाएगा मेरे पास एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज टू क्यू है तो इक्विलिब्रियम जो पाया जाएगा वो आपको पाया जाएगा बताओ जरा क्यू के पास में लेकिन क्योंकि सेम चार्ज है तो बीचों बीच पाया मतलब बीच में पाया जाएगा अगर ऐसा है कि भाई एक क्यू लिखा है और ये मेरे पास लिखा है थ्री क्यू ठीक है ए माइनस है ऑपोजिट चार्जेस हैं तो या तो लेफ्ट में या राइट में तो हमने देखा छोटे वाले चार्ज के पास में पाया जाएगा ये डिस्टेंस एक्स मान लो ये, ये डिस्टेंस यहां से मान लो आर प्लस एक्स बस इस प्रकार से आप इसके डिस्टेंस वगैरह लेकर के सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपसे कह दिया कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज क्यू नॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज क्यू एंड टू क्यू बी प्लेस्ड सो दैट क्यू नॉट रिमेन्स इन इक्वीलिब्रीम देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था आपसे कहा था कि एक चार्ज कैपिटल क्यों रखा है एक चार्ज जो है टू क्यू रखा है दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस आपको बताई थी वो आर थी तो कह रहा है कि भाई ये बताओ जरा ये बताओ कि जैसे मैं आपको समझा देता हूं आपसे कहा था कि एक चार्ज क्यों है एक चार्ज टू क्यू है दोनों सो दैट जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे तो आंसर है जब सेम चार्ज होते हैं सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बीच में पाया जाएगा ठीक है और कहां पाया जाएगा छोटे वाले के पास में दोनों इक्वल है तो बीचों बीच पाया जाएगा क्लियर है अच्छा देखो अगर ऑपोजिट नेचर के होते तो या तो लेफ्ट में या राइट right में पाया जाता और उसमें भी कैसा छोटे वाले चार्ज के पास में यानी कि लेफ्ट में अगर ये छोटा होता तो राइट right में

देखो ये क्या होगा ये एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा है ना और नेगेटिव पकड़ के इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा तो पूरा सिस्टम इक् में रहेगा तो कुछ नहीं करना कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर फिर इस पर इन दोनों के बीच में फोर्स चेक करो कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर अगर ये दोनों फोर्सेस तो... अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं, तो इसका मतलब मतलब चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा। मतलब में हमने इस को सॉल्व करा और इस प्रकार से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली बस से क्वेश्चंस इस को इसको सॉल्व करा जाता है ठीक है कुछ भी नहीं करना फिर से इतना कर लोगे ना आपका बढ़िया सब मस्त जाने वाला है ये मेरी गारंटी आपसे इतना पढ़ के चले जाओ बस आप तो. ठीक है अब आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो अब आप आपको कब चाहिए ठीक है कमेंट में जरूर से आप लिख करके बताना कि हां सर मुझे मजा आ गया आपका कमेंट पढ़ के ही मुझे लगता है कि हाँ भाई बच्चों की डिमांड आ रही है इसलिए जल्दी से वीडियो लेकर के आओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप इंतजार कर रहा हूं एक बार जरूर से लिख के जाना सर आप बहुत बढ़िया हो सर मजा आ गया सर ठीक है चलो तो मिलेंगे आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटिंग करेंट भी लेकर के आ रहा हूं फिर से कहूंगा बढ़िया मार्क्स लाने के लिए आप हमारी जो बुक है इसको आप ऑर्डर कर सकते ऑर्डर करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो हमारा जो ऐप है उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है सिलेबस बिल्कुल दो लेवल पर चल रहा है आगे भी मतलब जो बच्चे आगे चलना चाहते हैं वो आगे भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ में जो पीछे हैं चैप्टर सेकंड और थर्ड पे वो वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कोई भी एक बैच परचेज कर लोगे दोनों बैच फ्री तो आप लाइव रिकॉर्डेड दोनों बैचेज की क्लास ले सकते हो आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स वगैरह भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा देन ठीक है कॉमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूँ थैंक यू सो मच गाइस थैंक सी नेक्स्ट वीडियो आपके कॉमेंट का जरूर से इंतजार करूंगा थैंक यू